मैं कनिका गोयल, मेरा यूपीएससी सिविल सेवा एग्जामिनेशन में नौवां रैंक आया है इस बार। मैं कैथल हरियाणा से आती हूँ। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए पिछले साल तो मैंने लगभग 7 महीने तैयारी करी थी, सारे बेसिक्स को क्लियर किया था। मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं इंडेक्स निकाल लेती थी सब बुक्स के और इंडेक्सेस पे काम किया करती थी, उसके थ्रू रिकॉल किया करती थी। रिकॉल की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और इस साल जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड था, जो भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर डाले थे उनके ऊपर बेस्ड था। और ये था कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हो इस बार। शॉर्ट तो मैं केवल 25 क्वेश्चंस ही टिक कर पाई थी, एंड देन बाकी क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व किए। मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो GS1 के लिए वही सोर्सेज मेरे लगभग सेम ही रहे। GS4 एथिक्स के लिए डाइवर्स सोर्सेज को मैंने रेफर किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने रूट्स को कल्मिनेटिव और बहुत कंसोलिडेट कर लिया था। साथ ही सेकंड ARC रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थी मेंस के लिए। देन इंटरव्यू स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम वाज आल्सो बेस्ड ऑन मूक इंटरव्यू, लेकिन इस टाइम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टडी IQIS लेके आया था, जिसके थ्रू वी कनेक्टेड विद इंटरव्यू कैंडिडेट्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो उनसे बात करके, उनसे डिस्कशन करके अलग अलग टॉपिक्स पे, दैट एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। और मूक इंटरव्यूज भी दिए, साथ ही खुद से प्रिपेयर किया टॉपिक्स को, और पूरा GS भी रिवाइज किया इंटरव्यू के लिए ताकि एक बेस बने। हरियाणा के लिए अलग से तैयार किया, अलग से आई यूज टू हैव अ डिस्कशन। कैथल के लिए ऑल्सो आई यूज टू हैव अ डिस्कशन। देन बुकलिस्ट की बात करूं तो वही बहुत बेसिक बुकलिस्ट जैसे सभी कैंडिडेट्स की होती है, और ये भी बहुत एक स्ट्रिक्ट बुकलिस्ट नहीं है। पॉलिटी के लिए आई रेफर टू लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर किया, इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम IAS के इकोनॉमिक नोट्स को मैंने रेफर किया है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs को ही रेफर किया है, क्लास 11th और 12th की जो NCERTs होती हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा डिपेंड रहती थी। सोसाइटी के लिए मैंने NCERT को कवर किया था, बट पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल होने की वजह से सोसाइटी एरिया को मैंने उसके थ्रू कवर किया। एंड GS2 की जो गवर्नेंस एरिया है उसके साथ जोड़ के जो एग्जाम्पल्स मैं उसमें यूज़ कर रही थी वही मैंने सोसाइटी के साथ उसे लिंक किया। एंड कोचिंग वर्सेज सेल्फ स्टडी, आई लाइक टू से कि दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है और किस सिचुएशन में है। सिचुएशन की बात करूँ तो व्हेन आई वाज एंटरिंग माय प्रिपरेशन तो कोविड लॉकडाउन हो गया था, देन आई वेंट फॉर सेल्फ स्टडी और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही ली है जो अगर मुझे ज़रूरत लगी लेने की। बट अगर कैंडिडेट को ज़रूरत लगती है ऑफलाइन कोचिंग की तो वो भी ले सकते हैं। देन ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी रेफर किए, नेम करने के लिए तो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत ऑनलाइन सोर्सेज को मैंने रेफर किया। कुछ नेम करूं तो प्रीलिम्स 2022 के लिए बायजूस का एक क्रैश कोर्स था जो कि टारगेट प्रीलिम्स 2023-2022 करके आता है। उसमें लगभग 22 वीडियोस होती हैं जो कि आपकी कंसोलिडेटेड पूरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को कवर कर देती हैं। दैट एक्ट इज एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मी। कमिंग प्रीलिम्स ट्रिप्स, आई से जैसे कि लास्ट यही 4 दिन है प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए, फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एंश्योर दैट एक लॉजिक और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी UPSC जो देखता है एक IAS में, और वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रीलिम्स के अंदर टेस्ट की जाती है। मोटिवेशनल, माई मम्मा एंड पापा बोथ हैव बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो मोटिवेशन तो वहीं से आया है, और वो पूरी प्रिपरेशन में एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट, आई थिंक दोनों बाजू अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से अगर मैं गिरूँ ना तो सपोर्ट के तौर पे मेरे साथ में खड़े रहे हैं। आई लाइक टू थैंक DKT फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर हेल्पिंग द कैंडिडेट्स अ लॉट। आई हैव बीन बेनिफिटेड बाय वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।